ओयो में लगी थी यार। अच्छा, और इस्पा में दोनों में लगी थी। अच्छा, तो साहब आ जाइए हमको रोलने की चलाने की। तो वो जैसे ही वहाँ से ऊपर से आए तो हमने ऊपर से खुद से देखा उन्हें, तो हमने अपना एक लड़का भेजा उधर से सत्य खुदाया, और सत्य खुदा के हमने वहाँ पे सीढ़ियाँ वीडियाँ लगाई, तो वो 7-8 तो हमने बचा लिया उनमें से। बाकी जो 3-4 थे वो पीछे की तरफ फंस रहे थे, वहाँ पे जाने का रास्ता ही बंद हो चुका था क्योंकि वो फट चुका था कुछ अंदर। तो वहाँ से फिर वो बचाए, वो उतर गए, बाकी वो पीछे के 2-3 घंटे बाद जैसे ही वो आए आग बुझने में बहुत टाइम, आग बुझने के बाद जब वो निकाली, हाँ दो घायल 4-5 है पर दो खत्म तो थे 4-5, मतलब कोई लेडीज भी, हाँ एक लेडीज एक आदमी। कितनी देर में आग बुझी थी? करीब थी आग, तो फिर तो आदमी तो निकाल लिए थे जब ही। अच्छा, बचा लिए तो कितनी देर रही होगी आग करीब? आग तो आग मतलब इतनी नहीं थी, धुआं ज्यादा था, धुआं ज्यादा। क्या लगता है किस कारण आग लगी होगी? भाई ये तो नहीं पता, कारण तो कुछ पता नहीं। क्या 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 बताया उसने? ओयो है। अच्छा, ओयो में भी आग लगी थी। यस, पास ओयो है इस पास। मानस जो है ना, मानस से थोड़ा सा और आगे बढ़, इधर की तरफ गिजौड़ के साइड में है ना, उधर मानस की तरफ मत जाना। सर मेरा नाम फरमान खान है और मैं यहाँ पे मिठास के बगल में शर्मा मार्केट है हमारे गुरुजी की, जिनका नाम अजय शर्मा है, मैं उनके पास काम करता हूँ, उनका फिटनेस क्लब चलाता हूँ। तो क्या हुआ था आपको, आग की कब सूचना मिली? सर मैं, मेरी नीचे ट्रिपल ए ट्रेंड जोन कपड़ों की दुकान भी है, मैं अपनी दुकान में बैठा था, नीचे शोर शराबे की आवाज़ आई, जब मैंने बाहर निकल के देखा तो इसमें मिठास में जो मसाज पार्लर है उसमें आग लग रही थी, आग लगी हुई थी, धुआं बहुत ज़्यादा था, और फायर विकेट वालों को फ़ोन करा गया, फायर विकेट भी टाइम पे आ गई, तो आग वाग बुझाई उन्होंने, पुलिस वाले भी काफ़ी थे ऊपर गए, बाकी जो लोग थे जो जिनकी दुकानें आ रही थी सबको नीचे उतार दिया, और जो अंदर थे जो चिल्ला रहे थे ऊपर हमारे गुरुजी बैठे थे, हमारे गुरुजी को उनके चिल्लाने चीखने की आवाज़ आई, वो फंसे हुए थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, तो हमारे गुरुजी ने अपने बाथरूम का एक गेट खड़वा दिया, वहाँ पे गेट लगवाया जो उनकी सोसाइटी से बिल्कुल प्रॉपर्टी से टच हो गया, हमारी प्रॉपर्टी अगल बगल में ही ना टच हो गया, तो अपने लड़के को भेज के गुरुजी ने हमारे उन 6-7 जनों की जान बचाई, उसमें एक डॉग भी था, और बाकी जो आग वाग बुझने के बाद 4-5 मरीज निकले अंदर से, और 3 तो वैसे घायल बता रहे हैं और 2 अंदर ख़त्म हो गए ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। ये आग किस में लगी थी, क्या होता था यहाँ? सर आग का तो कुछ पता नहीं सकते, पर धुआं ज़्यादा था, अब ये नहीं पता कि किस कारण लगी है, लेकिन सर्किट की वजह से क्या लगी थी, है क्या चीज़ थी, क्या चीज़ थी, किस में आग लगी है, यानी कि क्या चलता था वहाँ पर? स्पा सेंटर था मिठास। सर स्पा सेंटर था, स्पा सेंटर के ऊपर था ओयो, ओयो था, तो ओयो वाले लोग थे जो ऊपर के, उनको तो हमने बचा लिया, उनसे हमने पूछा भी था कि अंदर कोई और तो नहीं है, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, अगर उन्होंने कहा होता तो हम औरों को भी बचाने की कोशिश करते, उन्होंने बताया नहीं था। आग लगी थी क्या है? देखिए सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सेक्टर 53 रिजॉर्ट एरिया है, वहाँ पे आज सामने एक आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स है, उसमें 5:30 बजे एक सैलून कम स्पा सेंटर में आग लगने की सूचना मिली थी, तत्काल वहाँ पर फोर्स पहुँची थी, वहाँ पर फायर ब्रिगेड को टीम पहुँची थी, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, तभी वहाँ पर 2 लोग वहाँ पड़े मिले थे, उनको चेक किया गया तो वो दोनों की वहाँ मौत हो चुकी थी, इसमें एक महिला और एक पुरुष था, उनकी पहचान हो गई है, हम लोगों ने वहाँ पे प्रथम दृष्टया जो आग लगने का कारण देखा है वो शॉर्ट सर्किट से लग रहा है, लेकिन उसके बारे में अभी विस्तृत छानबीन की जा रही है। इनफैक्ट ये सेंटर जो इस्पात था, जैसा कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि आज उसकी साफ़ सफाई के लिए कुछ लोग वहाँ गए थे, और संभवतः उसी क्रम में ये कुछ शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, जिसमें एक जिनकी डेथ हुई है वो वहीं पे कार्यरत थी, जो पुरुष हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई है वो कहीं दूसरे एरिया के रहने वाले थे, वो भी वहाँ मौजूद थे, और इनकी डेथ संभवतः सफोकेशन से हुई है,
मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो सैलून और स्पा सेंटर्स थे, यहाँ पे कोविड के समय कोविड के निर्देशानुसार सभी बंद कराए गए थे। और अभी हाल में संचालकों के द्वारा माननीय न्यायालय में एक रीट दाखिल की गई थी और उसमें 27 जनवरी को एक आदेश आया था और उसी आदेश के अनुक्रम में संभवतः इन लोगों ने आज साफ सफाई वगैरह करने के लिए सब वहाँ गए होंगे और ये घटना घटी है। इसकी छानबीन की जा रही है, इसमें अभियोग पंजीकृत करके और जो एविडेंस होगा इसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।